फिजिक्स में क्या होती है, फिजिक्स में हम वर्क किसको बोलते हैं? आवाज आप लोगों की क्लियर आ रही है अभी सबको? सिराज बिल्कुल यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है? यस सर, ओके क्लियर है। ठीक है। तो लास्ट टाइम पे वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग कि हमारा जो वर्क होता है वो एफ इंटू एस होता है, ठीक है? हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, सॉरी, हमने एफ इंटू एस से स्टार्ट किया था कि बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो एफ इंटू एस होती है, वेयर एफ इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है, मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इंटू एस आता है, वो आपका वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है? अगर मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, दे आर सम एट एन एंगल सम थीटा, तो जो वर्क डन का फॉर्मूला बनता है वो बनता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो हमने देखा था कि थीटा अगर हम एफ एस कॉस थीटा बनेगा, राइट? तो अगर हमारा थीटा की डिफरेंट वैल्यू के, हमने कॉस की डिफरेंट वैल्यू चेक की थी, थीटा की डिफरेंट वैल्यू के लिए कॉस की डिफरेंट वैल्यू चेक की थी, तो थीटा अगर 0 होता है तो कॉस 1 होता है, थीटा 90 पे यस और सर, अगर थीटा अगर सर 90 होता है तो फिर 0 होता है। कॉस 0 होता है, और 180 अगर होता है थीटा तो कॉस -1 होता है, ठीक है? अच्छा, यस सर, बाकी एंगल के लिए मैंने आपसे बोला था एक बार देख लेना, तो क्या होता है वैल्यू अगर मान लो थीटा जो है, दोबारा से देख लें, 0, 30, 45, 60, 90 और 180, कॉस थीटा की वैल्यू की बात कर रहे हैं ना? तो 0 पे तो हमारा 1 1 30 1 पे प्लस 1 30 √3/2 √3/2 30 पे √3 √3/2 अपॉन अपॉन रूट 1 अपॉन वन √3 अपॉन रूट टू वन अपॉन √2 1 अपॉन अपॉन टू √2 सर 1 अपॉन 2 60 पे 1 अपॉन 1 अपॉन 0 सर 90 90 पे पे 0 180 पे माइनस 1 इनफिनिटी माइनस 1 -1। तो आई होप ये एंगल सबको क्लियर है कि इस पे हमारा कॉस की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है? स्कूल में पढ़ा दिया आपको ट्रिग्नोमेट्री में सब चीजें? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, अच्छा ओके। ज्यादातर लोगों क्लास में 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, ओके, तो ज्यादातर लोगों को नहीं पढ़ाया गया। कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे वैल्यू लिख ली है, हमें जरूरत पड़ेगी तो वी कैन यूज द वैल्यूज, ठीक है? तो आपका जो वर्क डन है वो हमारा क्या है, फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा ठीक है? अब जो वर्क डन है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो आल्सो, राइट? यस पॉजिटिव भी हो सर सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी, कर रहे ठीक कुछ है? सॉरी, नहीं सर ओके। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब मुझे ये देखना है कि कुछ केस देखते हैं कि यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है ना? यस अच्छा, सर, पॉजिटिव तो हमारा सिंपल है, अगर आप उसको खींच उसी डायरेक्शन में, मान लो आपका फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के सेम कंपोनेंट होगा तो पॉजिटिव फोर्स और होगा। डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री से छोटा एंगल है तो वो सर पॉजिटिव होगा सर, 90 है तो 0 होगा और उससे बड़ा होगा तो नेगेटिव होगा। करेक्ट। तो आपका अगर थीटा जो है यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव में सर थीटा आपका, सप्लीमेंट है हाँ, एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात करेंगे यहाँ पे, है ना? यस सर, यस सर सर, एक्यूट में होगा पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज में होगा नेगेटिव, जीरो करेक्ट। और अगर थीटा 90 हो गया बीच में आ गया तो जीरो, जीरो मोर देन 90, और अभी हम बात कर रहे हैं जो 180 तक की बात करेंगे, वर्क डन जीरो हो जाएगा। हाँ, वर्क डन जीरो हो जाएगा। ओके सर, सर अगर परपेंडिकुलर हो सर फोर्स के वो डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर अगर हो तो हाँ, वर्क डन उस केस में जीरो होता है ना? अभी सारे केस देखेंगे धीरे धीरे, कौन कौन से केस हैं हमारे, ओके सर, अभी सारे यस केस सर, देखेंगे।
बट सर अगर कोई कुछ मतलब टॉय है और मैंने उसको 90 डिग्री एंगल पे ऊपर खींच रही सर, तो वो हिल तो रहा ही है अपनी जगह से, डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है और फोर्स भी लग रहा है और 90 डिग्री एंगल पे भी है। आप 90 पे कैसे खींच सकते हो उसी टॉय को, कैसे खींच सर 90 डिग्री एंगल में आप खींच देंगे कि उसमें मतलब ये टॉय कार है मतलब कुछ चीज है मान लो इसको आप ऐसे खींच रहे हो। हां सर। तो 90 एंगल कहां से एंगल 90 हुआ किसके साथ ऊपर सर, ये तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही तरफ है। करेक्ट, इसमें तो आपका फोर्स इधर को लगा रहे हो ना, आप फोर्स इधर को लगा रहे हो और आपका डिस्प्लेसमेंट भी इधर को है। जो आपका एस है वो इधर को है। एंगल कितना आया दोनों के बीच में, थीटा कितना आया? 90 क्यों आया सर? 0 0 डिग्री। अच्छा अच्छा, ओके आ गया समझ में। वर्क डन विल बी f into s into cos 0 व्हिच इज 1। ओके सर, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक कर रहे हैं जब हम सर, आ गया मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है बिटवीन f एंड s है थीटा। ओके चलिए, ओके चलिए, अब ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है। ओके अच्छा, फोर्स की जो यूनिट है यूनिट क्या आएगी अगर ये एफ एस है तो इसकी यूनिट क्या होगी पहले तो? सर न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? जूल्स। सर जूल्स, उसको हम जूल बोलते हैं ना, क्योंकि फोर्स आपका एफ इनटू एस इनटू कॉस थीटा है। कॉस की तो कोई यूनिट होती नहीं थीटा की, तो कॉस थीटा तो यूनिटलेस होता है। तो यूनिट इसकी होती है, इसकी न्यूटन होती है और इसकी और उसकी मीटर, मीटर मीटर। तो यूनिट जो आएगी वर्क की वो आएगी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर और ऑलरेडी नोन एज और ऑल्सो नोन एज जूल, जो जूल अर्ग जूल। ठीक है, ये आपकी जो यूनिट है ये आपकी आपको पता होगा एक सीजीएस यूनिट होती है, एक एसआई यूनिट होती है। यस सर, यस सर। ये कौन सी यूनिट हमारी है? हाँ, तो वहाँ से आ जाएगी, हम न्यूटन को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से। अच्छा, इसमें रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन क्या आएगा? 1 जूल इक्वल टू सर, 1 जूल इक्वल्स 10^7 अर्ग। फोर्स की सीजीएस यूनिट पता है आप लोगों को क्या होती है? सर डाइन। सर डाइन, यस सर डाइन। करेक्ट, फोर्स की एसआई यूनिट इज न्यूटन एंड सीजीएस इज डाइन। क्या रिलेशन होता है इनमें आपस में? सर 1 न्यूटन इक्वल्स 10^5 डाइन। तो अगर हम जैसे यहाँ वर्क आपने लिखा था ना, तो आपने क्या लिखा था? 1 न्यूटन मीटर, ये जूल था आपका। तो न्यूटन को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 न्यूटन को क्या लिख सकता हूँ? 10^5 डाइन। यस सर, यस सर। और मीटर को क्या लिख सकता हूँ? सीजीएस में क्या लिख सकता हूँ मीटर को? सेंटीमीटर। कितना पावर आ गया अभी टोटल? 7 डाइन सेंटीमीटर। तो दिस इज 1 जूल। तो इसलिए मैं आपको बोला कि ये अर्ग बन जाएगा, सीजीएस यूनिट है, इसको अर्ग बोलते हैं हम लोग। सर ये आ सकता है ना सर सवाल कि कितना होता है सर 1 जूल इक्वल्स टू? हाँ, मैंने कॉम्पिटिशन वगैरह पूछ सकते हैं, स्कूल में भी आ सकता है, टीचर पे डिपेंड करता है आपके। यस सर। तो हमारा जो 1 जूल 10^7 अर्ग आया है वो यहाँ से आया। ठीक है, दूसरा आप लोग जो बोल रहे थे सेंटीमीटर मीटर से अगर हम देखें तो वहां से भी देख सकते हैं। अगर हम 1 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ग्राम किलोग्राम वगैरह में क्या लिखते हैं 1 न्यूटन को? सर 1 किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए होता है। यस सर। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी इनटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है। अच्छा, अब इसको मैं सीजीएस में कन्वर्ट करता हूं तो क्या लिखूंगा 1 किलोग्राम की जगह क्या लिख सकता हूं? 10^3 100 सेंटीमीटर अपॉन
100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकंड तो सेम रहेगा यस सर सेम यस यस सर तो 10 टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर आ गया पर सेकंड स्क्वायर यस सर ठीक है तो ये 1 न्यूटन का सीजीएस इक्विवेलेंट हो गया 1 न्यूटन को अगर आप सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो इतना आएगा इसी को हम डाइन बोल रहे थे यहां पे यस सर ठीक है तो ये आपका आया यस सर तो हमारा जूल तो आप आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा कि हम जूल को अगर कन्वर्ट करना है हमें तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं अर्ग में सर 10 टू द पावर 5 अर्ग ओके तो कौन सा यूनिट बड़ा हुआ जूल या अर्ग अर्ग सर अर्ग जूल जो है काफी बड़ा है ठीक है किसी को डाउट इसमें चलिए अब हम देखते हैं कि वर्क डन की हमारी डेफिनेशन आई थी एफ इनटू एस कॉस थीटा उस केस में हम नेगेटिव पॉजिटिव वर्क डन की जो बात कर रहे हैं कैसे कैसे उसको समझ सकते हैं हम लोग तो मान लीजिए कि कोई एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को मैं फोर्स लगा के ऊपर खींच रहा हूँ ऊपर को ये मूव कर रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है इस केस में इस पे और कौन सा फोर्स काम करेगा ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एमजी यस सर यस सर यस सर बेसिकली ये दो फोर्स होंगे मेन 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 सर हां सर नो यस सर और तो कुछ नहीं होगा नो सर यस ओके नो सर अब अगर मैं करूं वर्क डन बाय मी वो कितना आएगा सर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर की साइड है सर एफ इन टू एस आएगा सर जीरो एफ इन टू एस आएगा ना जीरो क्यों आएगा और कॉस जीरो सर एफ इन टू एस ही आएगा यस कॉस जीरो नहीं वन होता है ना सर जीरो इज इक्वल टू प्लस वन यही आएगा यस सर कोई डाउट किसी को समझा दीजिए सर मुझे नहीं आया अभी पीछे तो जीरो आ रहा था आंसर कहाँ जीरो आ रहा था जब मैंने क्वेश्चन पूछा था हाँ कहाँ पे जीरो आया था आपने कहा था जीरो आएगा मैंने तो कहा था जीरो नहीं आएगा कब मैंने तो 90 डिग्री पूछा था आपने कहा था एंगल 90 डिग्री होगा तो आंसर जीरो आएगा मैंने कहा था 90 नहीं होगा जीरो होगा एंगल तो मैंने वर्क डन किया था अगर एंगल जीरो होगा तो 1 होगी ना वैल्यू और उससे आ जाएगा सर एफएस यही तो लिखा था हमने थीटा इक्वल टू जीरो तो यहां पे कॉस जीरो आ गया एफएस आया तो ना कम जीरो थोड़ी आया तो हाँ तो कितना आ जाएगा ये सर माइनस वन कॉस माइनस एम डी यस यस ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव आया यस सर यस सर तो ग्रेविटी नेगेटिव सॉरी सर इसमें भी एंगल जीरो ही था ना यहाँ पे 180 था ना आपका जो एम जी है वो नीचे है एम जी नीचे है और एस ऊपर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 180 हुआ ना और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ जीरो एस इधर को एफ इसलिए यहाँ पे जीरो लिया यहाँ पे 180 लिया तो वर्क डन इज नेगेटिव बाय द ग्रेविटी राइट यस सर यस सर यस सर अगर मान लो सेब एप्पल जो है पेड़ से नीचे गिरता है वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव सर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा पॉजिटिव सर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पॉजिटिव भी होगा पॉजिटिव एप्पल नीचे गिर रहा है नीचे ऊपर नहीं जा रहा नीचे गिर रहा है यस सर प्लस फॉलिंग डाउन न्यूटन का एप्पल नीचे गिरा था ना
गिराता तभी ग्रेविटी की खोज हुई थी। MGS आएगा उस केस में, वर्कडन आपका पॉजिटिव आएगा। यस सर। इस केस में ग्रेविटी भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। यस सर। ऊपर जाता तो फिर होता सर नेगेटिव। बिल्कुल। इसके साथ पॉजिटिव वर्क आया। यस सर। ओके। अगर वाटरफॉल से पानी नीचे गिर रहा है टरबाइन पे, तो ग्रेविटी का वर्क वाटर पे क्या होगा सर? पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव। पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। करेक्ट, पॉजिटिव होगा। और अगर मान लो जो कुआं होता है, वेल होता है, उससे बाल्टी से हम पानी ऊपर खींच रहे हैं, तो वर्क डन बाय मी क्या होगा जो मैं वर्क कर रहा हूँ? नेगेटिव। पॉजिटिव। हमारा नेगेटिव सर। पॉजिटिव होगा जो मैं कर रहा हूँ। ग्रेविटी नहीं, जो मैं कर रहा हूँ। नेगेटिव सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव। भाई ये वाला केस हो गया ना, कुएं से बाल्टी निकलने का केस, तो ये नहीं हो गया? हां सर। तो मेरा वर्कडन बाय मी क्या आया था? सर पॉजिटिव। एफएस सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। ग्रेविटी का क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। यस सर। यस सर। क्योंकि इनके बीच का एंगल जो होगा सर, ग्रेविटी ऑपोजिट साइड में लग रही है सर, वर्क डन जिस साइड में हो रहा है, और ऊपर वर्क डन की साइड में लग रहा है, तो 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो माइनस वन कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, जिससे माइनस MGS। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस यस सर। ठीक है, अब मैंने बिल्डिंग को धक्का मारा। बिल्डिंग को धक्का मारा, एक बार ये समझा दो कौन सा आवाज नहीं है। मैं कह रहा था कुएं से अगर पानी खींचोगे आप, तो आपका फोर्स ऊपर की तरफ को होगा और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ को होगा, तो एंगल जीरो आ जाएगा, तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है। अच्छा, आपके यहाँ नेट का कुछ इशू होगा? देखो एक बार नेट को दोबारा रिकनेक्ट करके देखो एक बार। अच्छा, बाकी लोग बताओ अगर बिल्डिंग को धक्का मारूंगा। सर जीरो। नो डिस्प्लेसमेंट। सर जीरो होगा। सर जीरो। एज देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि सर हमारा फोर्स इनफ नहीं है बिल्डिंग को लाने के लिए। ओके, पुशिंग द बिल्डिंग, वर्क डन इज जीरो बिकॉज़ योर एस इज जीरो। ठीक है। यस सर। यस सर। Yes sir, either angle zero or displacement is zero, our product or work done would be zero. Angle is 90. Angle should be 90, no? Yes. Either sir. Angle is 90. Yes sir. Yes sir, or force or displacement zero. Zero. Sir, work done to be zero, no? Haan, work done zero hoga, agar aapka angle 90 hoga, force or displacement. Okay sir. Thik yes hai? Sir. आप लोगों ने टेंशन फोर्स पता है? आप लोगों को टेंशन फोर्स होता है स्ट्रिंग में? यस सर। यस सर। सर जो रोप एक्सर्ट करती है, बेसिकली रोप एक्सर्ट जो करती है, बिल्कुल। तो मान लो पेंडुलम स्विंगिंग कर रहा है, पेंडुलम स्विंग कर रहा है, तो वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा सर? सर जीरो। सर नेगेटिव। सर क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट बार बार वही आ रहा है। नहीं, अगर मान लो आपका टेंशन किधर को होगा? उल्टी साइड होगा, मतलब सर जीरो होगा सर, 90 डिग्री का एंगल। सर 98 डिग्री एंगल बन रहा है, जीरो। टेंशन इधर को होगा, ऐसे होगा टेंशन? यस सर। यस सर। जब टेंशन यहाँ पे ऐसे था, डिस्प्लेसमेंट किधर, वेलोसिटी किधर को थी? इधर को। यस सर, परपेंडिकुलर। और जब मान लो पेंडुलम यहाँ पहुंच गया कहीं बीच में, तो अब वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी? सर कॉस वाला 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो जीरो होता है।
तो यहाँ पे टी एंड, हाँ बिल्कुल करेक्ट, टी और वी के बीच का जो एंगल है वो कितना आ रहा है सर? 90 डिग्री 90 डिग्री तो वर्क डन क्या आएगा हमेशा मेरा? जीरो जीरो वर्क डन मेरा हमेशा जीरो आएगा, बिकॉज दिस टेंशन एंगल बिटवीन द टेंशन एंड दिस इज 90 डिग्री, तो इसलिए हम बोलेंगे वर्क डन हमारा जीरो है। ने वेलोसिटी इधर की साइड ले ली, जा तो वो पेंडुलम उधर रहा था। सर एक बार फिर से बता दो सर यही वाला। अगर मान लो पेंडुलम का ये पाथ है, तो अगर मेरे को इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो यस सर। इसकी और वेलोसिटी जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर होता है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सर, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी। प्रोजेक्टाइल मोशन अभी डिस्कस करता हूँ, चलो आपसे ओके इसको सर। देखो, यहाँ पे वेलोसिटी इधर को होगी और यहाँ पे जब पेंडुलम होगा तो वेलोसिटी इसकी इधर को होगी, तो हर पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी है और टेंशन किधर को होगी? टेंशन इधर को होगी। यस सर, यस सर, 90 डिग्री एंगल होगा। तो एंगल कितना आ रहा है इनके बीच में? सर 90 डिग्री 90 डिग्री तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द टेंशन, यस सर, यस सर, यस सर, वर्क डन शुड बी जीरो, एग्री? यस सर, यस सर। अच्छा एक केस और देखते हैं, एक कुली सूटकेस लेके जा रहा है, सर इसका भी जीरो, और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो जीरो एस। होगा सर, इसका भी जीरो होगा सर, जीरो होगा सर, जीरो। क्यों जीरो होगा? ऊपर की तरफ फोर्स ऊपर लग रही है, परपेंडिकुलर फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट है, आगे की तरफ फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स नीचे की साइड पे लग रहा है, 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो डिग्री सर पूरा वर्क डन आगे की साइड पे हो रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, जिससे सर जीरो हो जाएगा। ठीक है। कुली कौन सा फोर्स लगाएगा इस पे, उस फोर्स का नाम क्या होगा? सर मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स नहीं, सर और मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर तो अगर खींच के ले जाते तो मस्कुलर होता, मस्कुलर भी बोल सकते हो, लेकिन अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स ऐसे बोलूं, ग्रेविटेशन नॉर्मल फोर्स, क्या बोलूं? सर, नॉर्मल रिएक्शन सर, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल कहां से आपने सिर, उसके सिर से लगेगा? यस सर, यस यस सर, सर, यस डायरेक्शन यस क्या, डायरेक्शन किधर को होगी? सर, अगर हाथ से किया हो तो हाथ से सर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन, हाथ से भी सकती हूँ, तो अपवर्ड होगी कुलमा का डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट आगे, कोज 90 डिग्री एंगल बनेगा, जीरो हो जाएगा फिर। ठीक है, यस सर, तो सर हम इसमें मस्कुलर सर फोर्स, पीछे कर दो, सर पीछे कर दो सर एक बार। क्या बोल रहे हैं, मस्कुलर फोर्स? सर एक बार पुशिंग ऑफ बिल्डिंग वाला केस जो आपने बताया सर, अगर हम किसी एंगल से पुश कर रहे हैं तो वो कैसे होगा जीरो? सर डिस्प्लेसमेंट तब भी जीरो होगा ना, एफ एस कॉस थीटा है ना, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, ओके सर, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही रहेगा, बिल्डिंग कौन खींच लेगा? बिल्डिंग मूव कर जाएगी क्या? आप मूव करोगे तो ओके सर। सर हम तो बोलो। मस्कुलर फोर्स कंसीडर ही नहीं कर रहे, वो हाथ छोड़ के ही चल रहा है। अगर हाथ भी पकड़ के चलेगा तो क्या होगा? मतलब सर अगर उसको होल्ड करके चल रहा है तब भी तब भी वो नॉर्मल फोर्स, करेंगे फोर्स किधर को सर, लगाएगा? ऊपर मतलब जहां अपोजिट, नेट फोर्स तो उसका ऊपर ही लगेगा ना, उसको mg को बैलेंस करना है ना बेसिकली। यस सर, सर उससे ऊपर की साइड पे लगाना पड़ेगा, जिससे उसके सर पे फोर्स ना पड़े और आगे की साइड पे जा रहा है। बिल्कुल, तो अगर वो हाथ से भी फोर्स लगा रहा है तो हाथ से इतना फोर्स नहीं लगाएगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो मोशन है उसका, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये मैंने माना, ठीक है? अगर वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्सेस जीरो, अगर मेरा यस वेलोसिटी सर, इधर को कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, फोर्स किस डायरेक्शन में है मेरा? ऊपर सब वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन, ये सब वर्टिकल डायरेक्ट, ठीक है? अगर एक कुली इधर को एक्सेलेट हो रहा होता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब क्या होता? तब हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आता कुली का, यस सर, उस केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आता कुली का, उस केस में क्या वैल्यू जीरो आती वर्क डन की? नो सर, नो, मतलब सर अभी हमने कांस्टेंट वेलोसिटी ले रखी है, इसलिए हम उसका
एंगल 90 मान रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमने कांस्टेंट वेलोसिटी ले ली, जिस मतलब इसका मतलब आपका ए इन हॉरिजॉन्टल इज जीरो, हाँ दिस मीन्स एफ इन हॉरिजॉन्टल इज जीरो, तो नेट फोर्स इज वर्टिकल, दैट मीन्स अवर वैल्यू एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट शुड बी 90, तो हमारा वर्क डन जीरो आ जाएगा। ठीक है सर, ये नहीं समझ आया सर, अगर एक्सेलरेटिंग मोशन में होगा तो क्यों 90 सर, क्यों जीरो नहीं आएगा? क्योंकि अगर वो एक्सेलेटिंग मोशन में हुआ तो कुली दो फोर्स लगाएगा फिर, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक कुछ ऐसा फोर्स लगा रहा होगा हाथ से इधर को, तभी ये इधर को एक्सेलेट हो सकता है। यस सर, जो बॉक्स भाई, अगर कुली एक्सेलेट हो रहा है तो बॉक्स भी एक्सेलेट हो रहा है साथ में, यस सर, तो बॉक्स को एक्सेलेट कौन करा सकता है? कुली करा सकता है अपना फोर्स लगा के, तो यस सर, कुली कुछ फोर्स यहाँ भी लगाएगा, तो आपका जो वर्क डन इस केस में आएगा, अगर मान लो एक्सेलेट कर रहा है तो वर्क डन क्या आएगा? अब मान लो डिस्प्लेसमेंट एस हुआ, क्या लिखूंगा वर्क डन? एफ पॉजिटिव सर, मतलब इस इनटू वजह से एक्सेलरेट वो अपने मस्कुलर फोर्स के कारण कर रहा है, इस वजह हाँ से यस सर, इस वजह से अब चेंज हो जाएगा वो डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स आगे की साइड पे भी जा रहा है और उसी मोशन में आ रहा है, तो इसलिए नेगेटिव की जगह जीरो की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। बिल्कुल, इसमें दो फोर्स लगा दी ना उसने, तो एक तो आपका वर्क किसके कारण होगा? नॉर्मल के कारण, तो जीरो आ जाएगा फिर दोबारा, दिस यस सर, विल बिकम सर जीरो। ये सर जब भी आ सकता है जीरो सर, अगर कोई प्लेन पे चल रहा हो। हाँ, अगर वो प्लेन सरफेस, बिल्कुल, अगर प्लेन पे चल रहा हो तो वो भी आपका एक यहाँ पे मतलब एग्जांपल इस बनता केस में दो दो फोर्सेस है ना, एक तो पहले वाले केस जैसा ही जीरो है, दूसरा जो है वो फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इस कारण से पॉजिटिव में आ रहा है। है। बिल्कुल बिल्कुल, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एम इंटू ए हो जाएगा फोर्स, अगर आप लिखना चाहोगे। सर जब वो यस सर, जो है वो पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट है, तब तो वो फिर दोबारा जीरो नहीं हो जाना चाहिए। एफ एस, हाँ एफ एस नहीं हो जाएगा एफ एस तो होगा जीरो, कैसे? कॉस जीरो होगा ना। सर, कॉस जीरो होके फिर एफ एस हो जाएगा ना। ओके सर, तो ये केस अगर होता तो ये होता, ठीक ना? सर जैसे अरे कि अगर अभी सर एक सर सर पे ही कुली ने कुछ रख कॉन्स्टेंट रखा है और मोशन वो सर स्टेयर्स पे चढ़ रहा है, है। हाँ बताओ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। सर पे कुली ने कुछ रखा हुआ है और स्टेयर पे चल रहा है, वर्कडन क्या होगा? पहले कुली बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, कुली को कंप्लीट कर लेते हैं। माइनस एफ एस। ऊपर चल रहा है, ऊपर जा रहा है सीढ़ियों से, और यह चलते जा रहा है। सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है सब पॉजिटिव सर, इसमें एफ एस सब पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। ओके, बाकी लोग? तो सर नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा सर, सर, पॉजिटिव ही आएगा। कोई आवाज क्या आवाज है? आवाज ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव यस सर, पॉजिटिव है ना? तो इस केस में क्या आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्चुअली वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है? तो कुली यस जो सर, फोर्स लगा रहा कौन सा होगा एंगल वो जो होगा, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया था कि 90 से 90 से बड़ा एंगल ज्यादा है। कम होगा और जीरो से ज्यादा होगा, तो सर उसके बीच में करीब 45 करीब ही होगा, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। यस, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट। ओके, तो इसमें हमारा वर्कडन जो है पॉजिटिव आ जैसे कि जाएगा। ये सर डिस्प्लेसमेंट ये जो आगे वाली है और फोर्स इसके ऊपर जा रही है, तो एक्यूट एंगल। बोल सकते हैं, बिल्कुल, वी कैन से लेकिन दैट। सर अगर स्टूडियो से नीचे जा रहा होता तो नेगेटिव होता ना हाँ, अगर नीचे जाता तो नेगेटिव होता, बिल्कुल। सर, बट अगर हमें एंगल नहीं पता तो हम सीधा सीधा ही देख सकते हैं ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। हाँ, बोल सकते हैं। ओके सर, ठीक है, ओके, चलो मान लो ये सन है और इसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द सन ऑन द अर्थ सर जीरो, जीरो सर सर, जीरो 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 जीरो, जीरो सर, 90 बिकॉज एंगल इज 90 डिग्री सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है इसमें।
सर सेंट्रिपिटल में 90 डिग्री बनता है। सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे? सन। नहीं, कौन सा फोर्स होगा, कौन सा फोर्स है सेंट्रिपिटल फोर्स बन रहा है यहाँ पे? ग्रेविटेशन। यहाँ पे आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ऐसे होगा और वेलोसिटी आपकी अर्थ की ऐसे होगी। यस सर। वी कैन से दैट योर एफ ग्रेविटी एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर। थीटा इज 90, वर्क डन इज जीरो। सर 90 में जीरो, अगर 180 डिग्री बनेगा तो माइनस, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है तो पॉजिटिव। यस बिल्कुल ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इज जीरो, मतलब ग्रेविटी कोई वर्क नहीं कर रही पूरे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मान लो अर्थ यहाँ तक आया तो वर्क डन तब भी जीरो ही होगा? यस सर। सर जीरो होगा, 90 का एंगल बन रहा है कॉस 90। हाँ, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, बच्चे कहते हैं सर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तब वर्क डन जीरो होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो ना भी हो, पार्टिकल यहाँ तक भी आएगा ये अर्थ मान लो, तब भी वर्क डन जीरो ही आएगा, क्योंकि हमेशा एंगल 90 डिग्री ही बन रहा है। इस वर्क डन जीरो होने का यहाँ पे मतलब क्या होता है? हाँ, उस पे आ रहे हैं, वर्क डन का जीरो का मतलब क्या है, ये समझ में आ गया कि वर्क डन जीरो होगा चाहे यहाँ से यहाँ तक आए चाहे यहाँ से यहाँ तक आए, क्योंकि सर हर जगह 90 डिग्री बनेगा ना। ठीक है, अब जो वर्क है, अगर आप वर्क डन करोगे तो क्या होता है उससे? सर क्या मतलब? उससे क्या फर्क पड़ता है किसी बॉडी पे, अगर आप वर्क डन करोगे तो क्या फर्क पड़ता है उसकी सर एनर्जी में? से हिलेगी। अगर मैं एनर्जी की टर्म में बोलूं तो एनर्जी क्या हो सकती है उसकी बॉडी की? सर इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। सर इंक्रीज क्यों होगी, जब वो काम करेगी तो कमी तो होगी। वर्क कौन कर रहा है, आप कर रहे हो या बॉडी कर रही है? मैं। तो बॉडी की एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो सर बॉडी मैं ही तो हूँ। भाई कुली ने ब्लॉक बॉक्स पे फोर्स लगाया। अच्छा अच्छा तो जो बॉक्स था वो बॉडी थी और काम तो मैं। तो बॉक्स की एनर्जी इंक्रीज हो सकती है अगर हम वर्क करें उस पे तो? हाँ हो सकती है। बिल्कुल। एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है हमारी यहाँ पे, जैसे मान लो सन अर्थ पे काम कर रहा है, अर्थ की एनर्जी कौन सी हो सकती है जो इंक्रीज या डिक्रीज होगी इस केस में? सर मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक हो सकती है, ठीक है। तो अगर मान लो सन वर्क कर रहा होता तो अर्थ की काइनेटिक एनर्जी क्या होती? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती, ठीक है। तो फिर क्या होता अर्थ? एक बार दोबारा बता दीजिए, सन मूव कर रहा होता तब क्या होता? सर ये बात मूव नहीं कर रहा होता, सन अगर वर्क कर रहा होता अर्थ पे, मतलब सन रिवॉल्व कर रहा होता। सन और मून में भी तो जीरो ही होगा ना? अभी नहीं आ रहे, मुझ पर रुक जाओ, एक एक करके करो। पहले सन का फोर्स अर्थ पे लग रहा है, सन रुका हुआ है, अर्थ घूम रहा है। हाँ। तो सन जो है अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा सकता है और ये जो है वर्क मान लो कर रहा होता। क्वेश्चन ये है कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रहा होता तो अर्थ की एनर्जी क्या होती? सर इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप ठीक है एनर्जी, आप बोल रहे हो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती तो अर्थ क्या होता, फास्ट चलने लगता, जल्दी चलता। यस सर फास्ट। तो ये रेवोल्यूशन फटाफट लगाता सन के चारों तरफ और तेजी से। यस यस सर। एंगल 90 डिग्री कोई ना बनता लेकिन। हाँ मान लो, मान लो अजम्पशन मान लो कि ऐसा ना होता, मान लो। हाँ ओके सर। तो फटाफट मूव करता तो क्या होता आपका अर्थ, जो आपके ईयर की ड्यूरेशन है वो क्या होती? कम होती सर। उसके बाद भी वो कंटिन्यूस वर्क करते जाता, मान लो सन अगर मान लो वर्क करता जाता तो क्या होता आपका ईयर छोटा छोटा होता जाता। यस सर बहुत छोटा होता जाता। हाँ, तो ऐसा होता है क्या? नहीं। नो सर। तो हमारा क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी स्पीड है अर्थ की वो क्या है? इसका मतलब है कि सन का जो फोर्स है अर्थ पे वो कोई वर्क नहीं कर पा रहा, फोर्स तो लग रहा है लेकिन वर्क नहीं कर पा रहा। ओके, तो सर वर्क क्यों नहीं कर पा रहा? उसके एंगल का वैल्यू
क्योंकि एंगल हमारा 90 है, इसलिए क्योंकि फोर्स ऐसा लग रहा है कि वो 90 डिग्री पे लग रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहा। तो सर अच्छा ठीक है, मतलब वो ग्रेविटेशन लगा रहा है लेकिन वो अर्थ को स्पीड से नहीं हिला पा रहा जितने से हिला सकता है। बिल्कुल, स्पीड बढ़ा सकता है, वो बढ़ा नहीं पा रहा ना यहाँ पे, बढ़ा नहीं पा रहा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ यहाँ पे कि फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इसकी जो अर्थ की स्पीड कांस्टेंट है सब लोग मानते हैं? यस सर, यस सर। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी नो सर, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यस सर कांस्टेंट, कैसे बोल सकते हैं कांस्टेंट नहीं है? आपके हर पॉइंट में उसकी सर डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है सर, सर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यस सर, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है, यस सर। तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड, सर चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन। हाँ करेक्ट करेक्ट, ये तो आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए। हाँ, तो ठीक है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी करने के लिए चाहिए क्या होता है आपको? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है। एक्सटर्नल फोर्स, यस सर, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है, फोर्स चाहिए होता है। कौन सा लॉ है न्यूटन का ये? सर फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया फर्स्ट लॉ है ये न्यूटन का। सेकेंड लॉ होगा ना, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बताओ? सर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स विल नॉट वर्क। सर किसी भी चीज को हिलाने के लिए, रोकने के लिए, जगह चेंज करने के लिए, डायरेक्शन बदलने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसे कुछ बोलता है ना, ए बॉडी विल कीप ऑन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, until or unless applied by some external force. Yes, sir. तो हमें force चाहिए होता है external, किसी की speed या sorry velocity change करने के लिए। ठीक है? Okay, sir. तो यहाँ पे जो force लग रहा है वो क्या कर रहा है? Velocity change कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो force velocity change कर रहा है लेकिन work नहीं कर रहा। ठीक है? Yes, sir. Okay. फोर्स वेलोसिटी चेंज कर रहा है लेकिन वर्क नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि वर्क करने के लिए उसको एंगल होना चाहिए, कुछ एंगल यहाँ पे 90 है। और सर वर्क का मतलब ये है कि वो मतलब उसे जल्दी नहीं कर पा रहा। हाँ, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर पा रहा। अब हम आगे पढ़ेंगे जो वर्क डन होता वो काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है आपकी। ओके सर। ओके ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा नेगेटिव पॉजिटिव वर्क डन जो होते हैं हमारे क्या क्या होते हैं, सबको क्लियर हो रहा होगा? Yes, sir. Yes, sir. Zero work done क्या होता है, सब क्लियर हो रहा होगा? 90 degree वाला. Yes, sir. Yes, sir. 90 degree वाला, ठीक है? Yes, okay. Sir. Okay, good everyone. और सर जीरो से बड़ा और 90 degree से छोटा भी पॉजिटिव होगा ना? हाँ, जीरो से 90 तक कुछ भी हो पॉजिटिव होगा वर्क डन हमारा। ठीक है, और अगर पैरेलल है तब भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर 180 डिग्री है तो नेगेटिव होगा। हाँ, 180 पे नेगेटिव, अगर 90 से बड़ा होगा ना कुछ भी, 120 हो गया, 130, 40 सब नेगेटिव। ओके सर, है ना? ये सर लिख। चलिए, तो हमने वर्क की बात की, एनर्जी की बात करते हैं अब। तो एनर्जी क्या होता है वैसे, डेफिनेशन क्या होती है एनर्जी की? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है ना, कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। ये हमारी एनर्जी होती है। ठीक है, अच्छा अब आपने देखा कि जब आप वर्क कर रहे हो तो बॉडी की एनर्जी चेंज हो रही है।
तो मींस वर्क डन करके आप एनर्जी चेंज कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज. यस सर. सो वी कैन, यस वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज. सो वी कैन से कि एनर्जी इज अ मेजर ऑफ वर्क डन. यस वी कैन से लाइक दैट. ठीक है, तो यानी कि जो इसकी यूनिट्स होंगी एनर्जी की, वो वर्क की एनर्जी यूनिट के सेम होंगी, जो वर्क की एनर्जी यूनिट्स होंगी न्यूटन मीटर पर सेकंड. यस सर. तो इसकी यूनिट भी हम न्यूटन मीटर पर सेकंड या फिर जूल लिख सकते हैं. यस सर. अच्छा, अब डिफरेंट टाइप की आपने एनर्जी पढ़ी होंगी. वी कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन. मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है ना, साउंड, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी वी कैन हैव. तो हमें यहाँ पे जो डिस्कस करना है मेनली, वी आर टॉकिंग अबाउट टू मेजर एनर्जी विच इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. हम यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कस करने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. ओके सर. तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी, बिकॉज ऑफ किस कारण से होती है सर? मोशन के कारण, मूवमेंट. बिल्कुल, बिकॉज ऑफ मूवमेंट के कारण आप पे जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सर? रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट और एनर्जी बाय द वर्चू ऑफ पोजीशन ऑफ मीन. यस सर. पोजीशन और जब भी हम कुछ स्ट्रेच करते हैं, कुछ करते हैं, तो देखो काइनेटिक चलाते हैं. करेक्ट, काइनेटिक हमारे मोशन के कारण है तो, और पोटेंशियल हमारे पोजीशन या फिर कॉन्फिगरेशन के कारण है. यस सर. जैसे कि अगर कोई पोजीशन का मतलब कि मान लो कोई पत्थर ऊपर रखा हुआ है पहाड़ के ऊपर, तो उस पर कुछ काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है. अगर वो नीचे आएगा तो इट कैन डू सम वर्क. हिडन एनर्जी. या कोई झरना ऊपर से नीचे गिर रहा है, फॉल से पानी गिर रहा है, तो इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी. यस सर. व्हिच वी कन्वर्ट यूजुअली इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सर एक बार आप पोटेंशियल एनर्जी समझा दीजिए. हाँ, अभी कर रहे हैं, वन बाय वन पूरा डिटेल से पूछेंगे, अभी तो ब्रीफली बता रहा हूँ आपको. अच्छा, तो जो झरने से पानी गिर रहा है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाइट के कारण. इलेक्ट्रिकल भी होगी? नहीं, इलेक्ट्रिकल नहीं होगी. इलेक्ट्रिकल तो हम बनाते हैं फिर उससे सर, टरबाइन रन करके. हाँ, उसको हम टरबाइन रन करते हैं, फिर टरबाइन से हम एनर्जी बनाते हैं. आपके 10th क्लास में आ जाएगा वो, 10th क्लास में पढ़ोगे तो वहाँ पे आ जाएगा कि उससे आप कैसे बना सकते हो उससे फिर इलेक्ट्रिकल. लेकिन उसमें बेसिकल जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? वो पोटेंशियल एनर्जी है. वो ऊपर था, काइनेटिक भी थी उसमें, दोनों थी. पानी बह भी रहा था तो काइनेटिक भी थी उसमें और पोटेंशियल भी थी. जियोग्राफी में भी आया था एक बार. अच्छा, तो इसमें दोनों एनर्जी हैं. ठीक है, तो अच्छा अब मान लो कोई स्प्रिंग है उसको आपने खींच लिया, या कोई रबर बैंड आपने खींच लिया, इसमें कौन सी एनर्जी हुई सर? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल. ओके, बिकॉज ऑफ इस संदर्भ एनर्जी, बिकॉज ऑफ उस पे फोर्स अप्लाई करके उसमें वो एनर्जी स्टोर कर दी. हाँ, तो वी कैन से कि उसकी कॉन्फिगरेशन ऐसे बन गई, आपने ऐसी कॉन्फिगरेशन बना दी उसकी कि उसमें कोई एनर्जी स्टोर हो गई. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जब डिस्कस करेंगे तो वी विल टेल कि या तो उसकी शेप के कारण या फिर उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी होगी, जैसे हमने पत्थर के केस में देखा, पानी के केस में देखा, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. ठीक है, तो वन बाय वन लेट अस डिस्कस द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी किसी हॉट चीज में होती है? नहीं, इसमें हॉट चीज में नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. अगर आपकी मान लो बॉल, आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपने बॉल से कैच कर रहे हो, तो वो भी तो काइनेटिक एनर्जी है उसमें भी, तो कोई हॉट जरूरी थोड़ी है हॉट हो. इसको के ही लिखते हैं शॉर्ट में हम लोग, है ना. तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जो होती है बिकॉज ऑफ इट्स वी कैन से मोशन के कारण जो होती है. सर
सब जैसे सर बोल कर आएंगे जब भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। हाँ अगर उसमें वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, बस वो ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए। हाँ वो ऑब्जेक्ट बस मोशन में होना चाहिए तो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो जैसे कि आप मान लो कोई, मैंने आपको बोला पानी चल रहा है तो उसमें वेलोसिटी है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी थी, या आपने मान लो बुलेट कोई फायर की गन से तो जब बुलेट बाहर निकलेगी इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, या मान लो आपके रोड पे बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, प्लेन चल रहा है ऊपर, तो इन सब में क्या है हमारी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सब में वेलोसिटी है सब में काइनेटिक एनर्जी, तो कोई ना कोई वर्क किया गया होगा जिसके कारण इनमें काइनेटिक एनर्जी आई, या आप मान लो रेस में भाग रहे हो तो यू हैव द काइनेटिक एनर्जी, तो इन ऑल केसेस वी हैव द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आई है इसका मतलब कुछ पे सॉरी सर विंडमिल्स में भी, यस विंडमिल में भी जो है काइनेटिक एनर्जी जो हवा की होती है उसको हम उससे हम विंडमिल को घुमाते हैं तो विंडमिल में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और फिर उसको हम फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये ऑल आर द एग्जांपल फॉर द काइनेटिक एनर्जी। वॉकिंग रनिंग, ये भी वॉकिंग रनिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो लाइक मूविंग बस ट्रेन बुलेट फायर्ड, इन सब की जो एनर्जी होगी है ना, या वी कैन से विंडमिल मूविंग विंड या विंडमिल, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे हो सकते हैं ना, उन सब में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। एक्सक्यूज मी सर, यस सर, काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो उसके द्वारा मतलब जो डन वर्क है उसका मेजर होती है, तो सर इस पे एक डाउट था सर, जो हमारी अर्थ है अगर हम उसको सन के रिस्पेक्ट में देखें तो वर्क डन तो जीरो है क्योंकि वो फोर्स और वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है, लेकिन जब हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो अर्थ ही कुछ वेलोसिटी तो है ही, तो वो तो फिर काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, वो जीरो नहीं है, तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, वर्क डन जीरो है, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं इससे? सर काइनेटिक एनर्जी तो वर्क डन का मेजर होता है, तो सर उसको तो वर्क डन के इक्वल होना चाहिए, नहीं तो उसमें वर्क पहले किया गया होगा ना, जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना होगा उस टाइम पे जो भी वो हुए होंगे एक्सप्लोजन वगैरह और टूट के गई होगी अर्थ वहाँ पे, ऐसे मानते हैं कि सन से टूट के सारे प्लैनेट बने होंगे या समथिंग ऐसा कुछ। यस सर कुछ वैसी थी, उस टाइम पे वर्क किया गया होगा ना, अब एक उस टाइम पे वर्क किया गया तो उसमें वेलोसिटी आ गई, बट अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल आपका अभी आप सेटेलाइट छोड़ते हो ना ऊपर, तो सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो इस पे वर्क डन कितना होगा? सैटेलाइट यहाँ घूम रहा है सर, जीरो जीरो जीरो, उसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे आई सर? उसे नीचे से मतलब ब्लास्ट कर मतलब फोर्स के साथ ऊपर भेजा गया। बिल्कुल, आपने जब ऊपर भेजा होगा उस समय आपने कोई वर्क वगैरह किया होगा उसमें, तो उसमें वहां से काइनेटिक एनर्जी आ गई ऑलरेडी, अब आपको अब रिक्वायरमेंट नहीं है आपको उसमें देने की। ठीक है, ओके सर, ठीक है, तो इसमें जो है ये होता है, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क करेंगे तो उसमें जो है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया था, तो हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर वर्क करेंगे तो वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हवा में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना है कि फॉर्मूला क्या होगा, वो हमें ड्राइव करना है, क्या होता है वैसे फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम इनटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर,
हाफ यस सर हाफ टाइम्स मास टाइम्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ब्रैकेट में वो क्या चीज है सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आप पूछ रहे हैं हाँ अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर लिख रहे हैं यस सर क्या चीज है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी वो यस सर नो सर हाफ होगा वो तो वर्क डन होगा ना जब अपना वर्क डन जब आपने किया वो वर्क डन होगा सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी यस सर वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी यस सर होगी बस सर मतलब किसी टाइम इंटरवल से ले रहे हैं तो सर चेंज ही तो देखेंगे हाँ लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी किसी की डिफाइन करते हैं तो हम जीरो से लेकर डिफाइन करते हैं ना कि जीरो से इस टाइम पे कितनी है अगर उसकी एनर्जी जीरो है मैंने किसी को आप जीरो रेफरेंस मानोगे तो अब कितनी है सर काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी एनर्जी क्या है भाई वर्क और एनर्जी क्या है स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी सर स्केलर सर स्केलर 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 क्वांटिटी ठीक है तो वर्क हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी है ये चीज आप लिख लेना यहां पे और एनर्जी क्या है सर स्केलर स्केलर यस सर फोर्स क्या है वेक्टर ठीक है तो हम फोर्स बोले ना कि टुवर्ड द सेंटर लग रहा है टेंजेंशियल लग रहा है कहां लग रहा है फोर्स तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन जो वर्क डन है हम ऐसे नहीं बोल रहे कि किधर को वर्क हो रहा है हम बोले कितना वर्क हो रहा है हम किधर को तो बोल ही नहीं रहे तो ये कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी इनमें कोई डायरेक्शन नहीं है सर पर वर्क डन में तो डिस्प्लेसमेंट आता है हाँ तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी ओके जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअली तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैन बी अ वेक्टर और कैन बी अ स्केलर ओके सर तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यू आर टेकिंग द एफ एस कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली इसे बोलते हैं हायर क्लास में आप देखोगे तो डॉट प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो स्केलर क्वांटिटी ही आती है वहां पे ओके सर और सर काइनेटिक एनर्जी वो है जब भी हम कुछ मोशन करेंगे तो उसके उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी हाँ बिकॉज ऑफ उसकी वेलोसिटी के कारण जो उसमें एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी ओके सर ठीक है अब इसको एक्सप्रेशन निकालते हैं कि उसका काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का कितना होगा तो मान लीजिए कोई बॉडी थी वो यू स्पीड से मूव कर रही थी इनिशियली और आपने इस पर कोई फोर्स लगाया फोर्स लगाओगे तो स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ के वी हो गई आपने एफ फोर्स लगाया केवल एफ फोर्स लग रहा है आपका ठीक इस डायरेक्शन में एफ लग रहा है बाकी फोर्स तो परपेंडिकुलर होंगे तो इनका वर्क डन क्या होगा जीरो अगर ग्रेविटी नॉर्मल नॉर्मल ग्रेविटी दोनों का वर्क डन जीरो होगा तो वर्क कौन करेगा केवल हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अभी लगाया है वो करेगा ठीक है यस सर ठीक है फ्रिक्शन को हमने यहाँ पे नहीं माना है वी आर कंसीडरिंग फ्रिक्शनलेस सरफेस सर स्मूथ बिल्कुल स्मूथ सरफेस सर इस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है बिल्कुल करेगी एम जी तो एक्ट करेगा ही लेकिन उसका वर्क डन क्या होगा जीरो सर जीरो जीरो होगा सर सुपर सॉलिड सर सर एक और सर स्टेट होती है सर ये उसी में तो सर हो सकता है सर फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस सर एक बार आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दें कौन सा क्वेश्चन कि ये जीरो होगा परपेंडिकुलर तक तो मुझे सुनाई दे गया था आगे आपकी मुझे आवाज नहीं आई मैं कह रहा हूं कि अगर मैं mg का वर्क डन निकालूं इस केस में तो कितना आएगा जीरो सर mg नीचे वेलोसिटी आगे 90 डिग्री का मतलब जीरो आएगा ना और अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन का निकालूं जीरो वो भी जीरो आएगा बस अब फ्रिक्शन हम यहाँ पे मान नहीं रहे तो यहाँ पे वर्क कौन कर सकता है केवल ये वाला फोर्स जो लगा रहे हैं जो लगा रहे हैं बिल्कुल ठीक है तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट मान लो इसने एस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया चलाइए और इसकी स्पीड यू से बढ़ के वी हो गई यू से बढ़ के वी हो गई स्पीड तो आपने जो फोर्स लगाया एफ लगाया ठीक है
तो आपका जो वर्क डन हुआ वो एफ इंटू एस हुआ, एफ इंटू एस इंटू कॉस तो जीरो हो जाएगा वन, यस सर एफ इंटू एस, एफ इंटू एस आ गया। अच्छा आप यहाँ पे एफ कैसे निकालोगे, एम ए दिस इम्प्लाई दैट जो हमारा एस है इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू, तो इसको मैं यूज कर लूंगा so you will get that ma into v square minus u square by 2a are ऐसे कैंसिल करेक्ट, तो कितना बन जाएगा हाफ, मैं बाहर ले लेता हूं m v square minus half m u square, ठीक है। तो ये केस आया, अगर मैं मान लो वर्क डन को, तो ये क्या है वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया, यस सर यस सर। सर ये एफ एस है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या चीज चेंज इन वाला सही, तुमने एफएस निकाला है ना, एफएस क्या होता है चेंज वर्क डन, यस सर यस वर्क डन, अभी इसको आई प्रूव कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी है ये, ठीक है। अभी तुमने लिख दिया इसको, इज इट आपका होता है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, स्पीकर ऑन कर दीजिए भाई, किसका शोर डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ तो मैं कह रहा था कि जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया, ये जो होता है ये एक प्रिंसिपल होता है, इसे हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हायर क्लास में आपको बहुत काम आएगा सर। ये वर्क एनर्जी थ्योरम सर इससे काइनेटिक एनर्जी निकलती है, नहीं काइनेटिक एनर्जी का अभी हम डेरिवेशन जारी रखते हैं, ये एक अलग चीज आ गई है। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है, एक थ्योरम है, ये बोलती है कि वर्क डन विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन अ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल वर्क डन जो आप करोगे वो होगा टोटल वर्क डन होगा ये, ठीक है। टोटल वर्क डन, टोटल मतलब उसमें अगर चार पांच फोर्स लग रहे हैं तो सबका जो वर्क डन होगा वो बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। सर जब पर हमने तो सर फोर्स तो एक ही लिया है ना, हाँ हमने एक लिया, लेकिन अगर आप तीन चार भी लेते तो उससे भी यही आता है, उससे भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है, ठीक है। तो हम भी लोग यही मान के चलेंगे कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं, अभी काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन चल रहा है, ठीक है। स्कूल में जो डेरिवेशन हमें करना है, अगर आ गया स्कूल में तो हमें ये करना है पहले, फिर ये करना है, ये सब भी लिखना है, ये लिखना है। अब इससे आगे डेरिवेशन क्या लिखोगे, इससे आगे ये नहीं लिखोगे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो अलग चीज आ गई। इससे आगे डेरिवेशन में क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे अगर मान लो ये क्या आया वर्क डन आया बाय द बॉडी, तो इसमें इनिशियली कुछ एनर्जी थी, अब इतनी हो गई है ना, यस सर। सब हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो रख के इसको प्रूफ कर सकते हैं, बॉडी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा तो सर खाली हम वी मानेंगे, हाँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हाफ एम वी स्क्वायर, और वर्क डन कितना आया था आपका हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, अगर यू जीरो है तो यू जीरो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कितनी हो जाएगी हाफ एम
वी स्क्वायर यानी जो बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना। हमने कैसे निकाला, हमने जो वर्क डन किया उसकी वैल्यू हमने निकाली तो हमने देखा उसमें एनर्जी इतनी स्टोर हो जाती है, कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके सर, तो इतनी एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम इनटू वी स्क्वायर। सर अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो, अगर ना हो तो देखो फिर क्या है उसमें इनिशियल वेलोसिटी, यहां से आंसर क्यों नहीं आया हमारा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी तो उसमें ऑलरेडी कुछ एनर्जी थी। अब आपने उसमें और वर्क किया तो आपने जो वर्क किया तो उसमें एनर्जी और बढ़ गई। भाई मान लो उसमें इनिशियल एनर्जी 10 जूल थी, आपने 20 जूल वर्क किया तो एनर्जी कितनी हो जाएगी सर? 30 जूल। 30 जूल। 30 जूल। तो आपने 20 जूल जो वर्क किया एनर्जी आ गई 30 जूल, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो एनर्जी जीरो होती यहां पे और आपने जो वर्क किया 20 जूल, अब एनर्जी कितनी आती? 20 जूल। ठीक है, ये 20 जूल एनर्जी क्यों आई? क्योंकि हमने 20 जूल का वर्क किया। Yes, sir. तो yes, इस पे जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो बिकॉज ऑफ दिस वर्क है। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे जो एनर्जी है ये बिकॉज ऑफ स्टोरेज एट द स्टार्ट, बिकॉज ऑफ वर्क एंड द एग्जिशन एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी थी प्लस आपने वर्क कर दिया उनके कारण है ये, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इनिशियल उसमें कुछ एनर्जी थी प्लस आपने वर्क किया। Yes. प्लस वर्क। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालनी थी? मेरे को तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी कि मैं जो वर्क कर रहा हूं उससे मेरी जो एनर्जी आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी है, तो कहां पे निकल सकती है? फर्स्ट केस में, सेकंड केस में? सर एनर्जी फॉर्मड और डिस्ट्रॉयड इज जस्ट बी ट्रांसफर, सर यही तो समझा रहे हो आप? नहीं हम, मैं उस पे, हां ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप बोल रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमने डेरिवेशन ये क्यों यूज किया, मैंने हमने यहाँ पे जीरो क्यों किया ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, यू को जीरो क्यों किया? क्योंकि सर ऐड अप होके तो लास्ट में ही निकलता है हमारा। हाँ, क्योंकि मुझे जो डेफिनेशन से मुझे निकालना था कि वर्क डन करके मेरी जो एनर्जी आ रही है वो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी कुछ एनर्जी थी तो जो वर्क डन करके एनर्जी आ रही थी वो कुछ और आ रही थी, तो मैं इसको इक्वेट नहीं कर सकता, इसको डायरेक्टली बोल सकता। Yes, इसको मैं डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बताता है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के बराबर, जितना वर्क डन करते हैं हम उतनी आखिर में फाइनल काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए। हाँ मैं कह रहा हूँ कि जितना आपने वर्क डन किया वो जो है उसकी एनर्जी बढ़ाएगा, ठीक है, वर्क डन जो आपने किया उसकी एनर्जी बढ़ाएगा। तो आपको अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसी टाइम पे और आपको वर्क डन पता है, मान लो कि आपने 10 जूल वर्क किया और आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है कितनी होगी, तो तभी तो बता पाओगे जब उसकी इनिशियली जीरो होगी। यस सर। भाई आपको वर्क डन पता है 20 जूल है मेरा, मैं आपसे बोलूं सर बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो कितनी होगी? और 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यस सर, इनिशियल पे डिपेंड करेगा, है ना? लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं मेरे को तो भाई नहीं पता इनिशियल, तो आप बोलोगे सर जीरो से स्टार्ट करो, फिर जीरो से स्टार्ट करो, 20 जूल जो भी आप वर्क करोगे उससे एनर्जी आ जाएगी, है ना? तो जीरो से अगर मैं स्टार्ट करके उस पर वर्क करूंगा तो जो भी आप वर्क करोगे दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? उसको हम उसकी काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो किया और फिर मैंने उसको इक्वेट किया, ठीक है। यस अब बोलिए। सर एक डाउट था, इसमें हमने जो हमारा प्लेन है जिसपे बॉडी रोल कर रहा है उसको हमने एकदम फ्रिक्शन लेस लिया है, अगर हम उसको मतलब जैसे अर्थ पे या मतलब रियल में ये तो पॉसिबल नहीं है कि एकदम फ्रिक्शन लेस लेने, तो सर अगर हम ऐसे वर्क डन निकालेंगे तो हमें एफ नेट को फोर्स माइनस स्मॉल एफ करके लेना होगा ना? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क भी आएगा, वो नेगेटिव आएगा। यस सर। और सर एक और बात ये पूछनी थी कि जैसे ये तो हमने अभी किया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर कोई एंगल बन रहा होगा तो सर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर टाइम्स कॉस थीटा हो जाएगी?
नहीं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ही रहेगी। उस केस में जो वर्क डन आपका होगा ना, तो फोर्स आप उस डायरेक्शन का फोर्स लोगे ना। यस यस यस। मान लो बॉडी ऐसे स्पेस में रखी हुई है और आपने फोर्स इधर को लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ। यस सर। आप ये बोल रहे हो? यस सर, मैं कह रहा हूं इस केस में काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। थीटा बीटा उसमें नहीं आएगा, थीटा उसमें हाफ एम वी स्क्वायर ही आएगा। जूल में ही निकालते हैं ना। काइनेटिक में क्या निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी की भी जूल ही वैल्यू वो होती है ना, यूनिट। हां, इसकी भी यूनिट, कोई भी एनर्जी आपकी होगी, ऑल एनर्जी आर एक्सप्रेस इन द जूल, क्योंकि ये वर्क डन के बराबर होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वर्क डन के सब बराबर होती है। होती तो ऐसा फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सुपर सॉलिड स्टेट में, सुपर लिक्विड स्टेट में। हम्म, वही स्टेट ले रखी है ना हमने। हाँ, मान लो सर फ्रिक्शन लेस एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, नहीं करती, तो फ्रिक्शन अगर होगा तो उसमें देखेंगे क्या करना है। हम लोग जो ड्राइव करते हैं कंडीशन तो नॉर्मल केस के लिए करते हैं ना, फिर धीरे धीरे आप उसको वो करते हो। पहले आप जो करते हो ड्राइव, कोई भी डेरिवेशन हम लोग करते हैं आइडियल कंडीशन के लिए करते हैं, फिर हम धीरे धीरे उसको रियल कंडीशन में लाते हैं। तो आप जैसे जैसे क्लास ऊपर जाते जाओगे तो रियल कंडीशन बनती रहेंगी। जैसे आप मान लो फ्यूचर में कोई लोग इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे तो आप बिल्कुल रियल कंडीशन आ जाएंगी कि रियल कंडीशन क्या हो सकती है, है ना। तो 11 12th में आप जाओगे, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होगे अभी कि न्यूक्लियस होता है सेंटर पे। यस सर। इलेक्ट्रॉन घूमता है एक्चुअली। आप देखोगे हायर क्लास में देखोगे तो ऐसा नहीं होता, फिर उसमें और चीजें आ जाती कई सारी। तो धीरे धीरे हाँ, उसमें शेल सब शेल वो सब आ जाती है क्वांटम थ्योरी के अंदर। आपको बेसिक ही नहीं पता कि न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटोन क्या होता है, तो आप तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। यस सर, समझ ही नहीं आएगा। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे। तो ऐसे यहाँ पे आपने भी देख लिया फ्रिक्शन लेस में क्या होगा, है ना। धीरे धीरे आप फ्रिक्शन का समझोगे, फ्रिक्शन हो गया तो क्या होगा, फिर मान लो एयर चल पड़ी तो क्या होगा। अब मान लो बॉडी है, बॉडी का वेट चेंज हो रहा है। मान लो जैसे मान लो कोई केस ऐसा है कि भाई कोई गाड़ी जा रही है, उसका पानी लीक कर रहा है, उसमें पेट्रोल लीक कर रहा है, उसका वेट भी चेंज हो रहा है, उस केस में क्या होगा। तो फिर धीरे धीरे हम रियल कंडीशन की तरफ मूव करते हैं कि उस केस में क्या होगा। तो अभी हम आइडियल कंडीशन में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसको भी धीरे धीरे फिर मूव करेंगे, है ना। जैसे क्लास आपकी बढ़ती जाएंगी रियल कंडीशन पे आते जाएंगे, राइट। सर स्कूल लेवल पे सर वो भी दिखाना है, मतलब जो अभी जो सर आपने बॉक्स में दिखाया था वर्क एनर्जी थ्योरम। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके सर। सर यस। सर जो अभी आपने बताया कि किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड होगा तो भी हाफ एम वी स्क्वायर ही आएगा सर, इसका एक बार रीजन कंफर्म करना था सर, क्योंकि इसमें भी जो फोर्स है वो एम इंटू ए के ही बराबर होगा, इसलिए ना। हाँ, ओके सर, बिल्कुल ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर आई फाइनली। तो अगर मान लो एक कार और ट्रेन सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? सर ट्रेन की। सर ट्रेन की, ट्रेन की ज्यादा होगी, राइट। इसका वी ज्यादा होगा। वी ज्यादा, ठीक है। अगर मैं किसी बॉडी की वेलोसिटी डबल कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? फोर टाइम्स सर। फोर टाइम्स सर। फोर टाइम्स सर। फोर टाइम्स, ठीक है। वेलोसिटी को हाफ कर दूं तो सर 1/4 हो जाएगी। 1/4 मास को डबल कर दूं सर, डबल हो जाएगी सर। सर डबल डबल, ठीक। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। सर मास को अगर डबल कर देंगे तो वो 2 times हो जाएगी? बिल्कुल, अगर वेलोसिटी सेम रहे तो। वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके सर। आप पे कोई एग्जांपल है जहां से ना हो? यस सर, हो जाएगी। हाँ ओके, चलिए ठीक है। तो ये हमारा ऐसे आया। अच्छा,
सर बट अगर मास बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी में तो डिफरेंस आ ही जाता है। डिपेंड करेगा ना, मैंने आप उस पे फोर्स कितना, फिर आपको फोर्स ज्यादा चाहिए होगा सेम काइनेटिक एनर्जी को करने के लिए। सर वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई, आपका कार है और मैंने कहा ट्रेन की स्पीड सेम है, तो कार और ट्रेन की स्पीड सेम करने के लिए इंजन सेम काम चल जाएगा सेम इंजन से? नो सर ट्रेन का तो इंजन बहुत बड़ा होता है, कार का छोटा सा होता है ना, तो सेम वेलोसिटी करने के लिए आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी क्योंकि आपकी काफी एम क्यू डिपेंड कर रही है, तो एम अगर आप बढ़ाओगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा हो जाएगी। आप लोगों ने कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ा है? सर मतलब अगर कुछ सर वर्क हो रहा होगा मतलब कुछ तो सारा कंजर्व रहेगा, अगर फोर्स नहीं होगा तो मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। ठीक है, ठीक है, एक मिनट दीजिए मुझे। ओके, आवाज आ रही सब लोगों को? क्लियर आ रही आवाज? यस सर। अच्छा, हाँ जी, पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप? सर इस बार जो टेस्ट होगा सर हमारा मंडे को या संडे को, उसमें फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? मंडे को टेस्ट है हमारा ना, तो लास्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था सर? फ्लोटेशन सर, 10 चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन दोनों डाल देंगे मेरे ख्याल से। यस सर, और सर वर्क एनर्जी जितना हो जाए सर उसके भी क्वेश्चंस दे दीजिएगा प्लीज। वर्क एनर्जी के एक दो क्वेश्चन वर्क एनर्जी का डाल देंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। यस सर, ओके सर। सर ग्रेविटेशन ही हुआ सर, सिर्फ फ्लोटेशन हुआ तो सर आप सिर्फ फ्लोटेशन डाल दीजिएगा। ऐसा, चलो फ्लोटेशन के वर्क एंड एनर्जी के और फोर्स एंड लॉज ऑफ के डाल देना क्योंकि सर हमारा ग्रेविटेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो ग्रेविटेशन छोड़ के मतलब बाकी चीजें है ना, तो मेनली हम फ्लोटेशन और ये डालेंगे जो अभी चल रहा है, और एक कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पुराने डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है सर? m1u सर, काइनेटिक एनर्जी होता है m2 स्क्वायर। Yes,
ओके अब मैं इसमें अगर रिलेशन निकालना चाहूँ, मान लो वेलोसिटी को हटा के मैं रिलेशन निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? आई कैन स्क्वायर दिस एंड फिर क्या करूँगा मैं इसको, मेरे को हाफ एम बी स्क्वायर करना है तो मैं हाफ एम बी स्क्वायर कर लेता हूँ और बाहर क्या आ गया मेरा m बाहर आ गया और 2m बाहर आ गया। इज इट ओके? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और एक m को बाहर ले लिया तो ये बन गया। कोई डाउट किसी को? इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ ऑफ मोमेंटम टाइम्स वेलोसिटी। कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, v की वैल्यू भी निकाल सकते हो, v की वैल्यू p / m आ जाएगी, उसको यहां पुट कर दो। m कॉमन क्यों? m कॉमन क्यों लिया? क्योंकि हमें यहाँ काइनेटिक एनर्जी बनानी है ना, इसे आपका ये बन जाएगा ना भैया। पोटेंशियल एनर्जी आज ही पढ़ाओगे या कल? नहीं आज नहीं, इतने अभी आज नहीं पढ़ेंगे। ये क्लियर हुआ सर? ये आपने 2 से मल्टीप्लाई किया बस, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अरे भाई ऐसे समझ लो, चलो ऐसे समझ लो v इक्वल टू क्या है p बाय m, यस सर, उसको यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m p बाय m का स्क्वायर, क्या आ जाएगा हाफ m p स्क्वायर बाय m स्क्वायर, एक m से m कट गया तो क्या बन गया ये p स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ नीचे क्या बचा 2m, वो इधर चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा। यस सर, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो तो एक ही बात है, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। हाफ बचा, वो क्या बचा? ये आएगा ना सर, आ गया। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन बन सकता है, पी स्क्वायर इक्वल टू 2m, तो वी कैन राइट दैट मोमेंटम इक्वल टू 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी का रूट, अगर मैं स्क्वायर को कर दूं और करेक्ट, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को लिखना चाहूं तो आई कैन राइट पी स्क्वायर बाय 2m, लिख सकता हूं? यस सर, यस सर। तो किसी बॉडी का बोलो बोलो सर, ये भी यूज होते हैं पी इज इक्वल्स टू 2m के रूट? हाँ कर सकते हो, देखो अभी एक क्वेश्चन बताता हूँ उसमें कैसे यूज होगा, अभी देख अभी क्वेश्चन बताता हूँ आपको। आप लोग भी अभी असाइनमेंट वगैरह करोगे ना, असाइनमेंट उसमें डाल दिए कि मैंने अभी एक दो दिन में आपके असाइनमेंट भी डल जाएंगे? मैंने सारे असाइनमेंट दे दिए हैं, फ्लोटेशन के दे दिए हैं और वर्क एनर्जी पावर के सारे सर, आ गए वर्क एनर्जी पावर के आ गए? यस सर। अच्छा अच्छा हाँ तो ठीक है, सारे असाइनमेंट आ गए होंगे तो आप उसको करना शुरू कर दो, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी हैं, टफ भी हैं कुछ क्वेश्चन, जितने हो पा रहे अभी उतना करो पहले राउंड में, फिर सेकेंड राउंड में बाकी कर लेना, दो तीन राउंड में हो पाएंगे वो। Yes, sir. अच्छा देखो अरे आपने मिसलेनियस किसकी दे रखा है? जब सारा कर लोगे ना आप तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कई सारे दो तीन कंसेप्ट पर डिपेंड हो सकते हैं या किसी अदर कंसेप्ट पर डिपेंड होंगे, वो मिसलेनियस है। ओके ओके, तो मैं ये कह रहा था आपको कि मान लो आपका कोई क्वेश्चन बोले कि मोमेंटम बॉडी का हमने चेंज किया, मान लो मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? सर 4 times, 4 times सर, 4 times। कैसे निकाला आपने सर वहां पे? सर सेकंड फार्मूला जो है सर, उसमें p की जगह 2p डाल दिया तो 4p स्क्वायर हो गया। यस सर, करेक्ट सर, जो पिछले वाले का 4 times था। अगर आपको ये पता ना होता फार्मूला कैसे निकालते आप, कैसे निकालते फिर हम? सर फिर हम पूरा वैसे जाते सर, मोमेंटम को सर p is equals to mv है तो फिर सर नेक्स्ट मोमेंटम को 2mv करते और सर फिर पूरा इक्वेशन ये दोनों फॉर्मूले फिर निकाल के तब हम करते। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि मोमेंटम डबल किया है, बॉडी सेम है तो उसका मास तो सेम है, यानी वेलोसिटी डबल की हमने। यस सर, अगर वेलोसिटी डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स होती है? 4 times वहाँ से ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो ये उल्टा क्वेश्चन होता कि मान लो काइनेटिक एनर्जी
इज डबल्ड, तो मोमेंटम कितना टाइम हो जाएगा? डबल सर रूट टू टाइम्स सर, रूट टू टाइम्स, रूट टू टाइम्स ये हमने फॉर्मूले से किया, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है फर्स्ट फॉर्मूला। यस सर फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, अगर वो हमें ना पता होता तो सर, तो इसका मतलब ये होता कि काइनेटिक एनर्जी डबल की है, मतलब कि वेलोसिटी जो है सर वो रूट टू टाइम्स इंक्रीज हुई है। और सर, सर P इज इक्वल टू एम वी है, तो सर मास कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी सर उसके हिसाब से सर वेलोसिटी रूट टू टाइम चेंज हुई है, तो सर मोमेंटम रूट टू टाइम चेंज हुआ होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पावर वाली जो आपने वो डाल रखी है डीपीपी, वो अभी नहीं करनी ना? नहीं अभी नहीं, अभी जो जो करते जा रहे हैं बस वो करते जाओ। ठीक है, अभी जो जो चलते मैंने सारी डाल दी है, धीरे धीरे करते रहना। ठीक है, अभी सारे मत कर लेना, मैंने जिसका जो हो पा रहा है वो करो, और जो जो हमने कर भी लिया उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपके हो पाएंगे कुछ नहीं हो पाएंगे, धीरे धीरे आप जब पढ़ते जाओगे तो बाकी क्वेश्चन भी धीरे धीरे होने लगेंगे फिर आपसे। ऐसा मैं सोचना कि मैंने करा डीपीपी 12 क्वेश्चन में से 7 ही हो पाए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 7 ही करोगे, 7 हो पाने तो उसमें री करने का बार बार ऑप्शन है ना, दोबारा वो करने का डीपीपी को, तो कुछ टाइम बाद दोबारा करो, कुछ टाइम बाद दोबारा है ना, कुछ टाइम बाद दोबारा करो, उसमें काफी टफ क्वेश्चन भी है। मैं पढ़ लेंगे 3-4 बार पहले। हाँ, उसमें GSTSC वगैरह के क्वेश्चन है तो वो टफ है काफी, तो NTSC के भी हैं तो वो थोड़ा सा टफ होंगे, तो टाइम लगेगा अभी, है ना, घबराना मत एकदम से देख के। ठीक है, तो आई होप कि अगर ये फॉर्मूला हमें पता है तो वी कैन मेक थिंग्स सिंपलर, तो हमारी चीजें थोड़ा जल्दी जल्दी हो सकती हैं। सर जो इकाई टाइप पे जो NTSC के क्वेश्चन पड़े हैं वो सारे वो भी करने? हाँ करोगे तो अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, लेकिन पहले बेसिक इतने कर लो, स्टेप बाय स्टेप करते रहो, है ना। ओके सर। ओके, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे ये रिलेशन आया मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, जो गन वाला केस है, अभी मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा था, जो गन इसके एग्जांपल क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, कहाँ पे लगाते हो आप लोग ये? सर ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सर वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो सर, सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे क्या पड़ेगा सर, जैसे बोट से अगर हम जो लैंड है उस पे स्टेप कर रहे हैं तो सर वैसे। ठीक है, बोट से जंप करेंगे तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा। ओके, और कहां पे हम लगाते हैं रॉकेट गन रिपेल, यहां पे लगाते हैं करेक्ट। सर क्लास में बच्चे हैं बहुत सारे और वो सर बातें कर रहे हैं आपस में, तो फिर अगर हम क्लास से देखेंगे तो वो कंजर्व रहेगा सारा, क्या कंजर्व रहेगा, मोमेंटम या एनर्जी? मोमेंटम। नहीं, मोमेंटम किसका मोमेंटम, बच्चों का? यस सर। हाँ बोल सकते हो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बट हम जो प्रैक्टिकल एग्जांपल जो इसके देते हैं वो देते हैं भाई, अगर कोई बोर्ड से कूद पड़ा मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर सर, तो मतलब बोट भी पीछे होगी और लड़का भी आगे जाएगा। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है, तो मैं ऐसे कूदूंगा अगर तो मेरा मोमेंटम इधर को हुआ पॉजिटिव, पॉजिटिव इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका बोट का प्लस बॉय का? अब अगर रुका हुआ था रेस्ट पे है तो इनिशियली जीरो था, अभी जंप कर गया तो उसका पॉजिटिव हो गया मोमेंटम बॉय का, तो बोट का नेगेटिव हो जाएगा, बोट का नेगेटिव होना पड़ेगा, फिर बोट को पीछे जाना पड़ेगा। यस सर, सर ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। बिल्कुल, गन फायर के केस में भी यही होगा। हां सर, गन के पीछे भी गोली भी आगे जाएगी। ठीक है, गोली आगे जाएगी सर गन में जैसे कि सॉरी। ओके, मान लो गोली का मास स्मॉल एम है और इसका कैपिटल एम है गन का, किसका मास ज्यादा होता है? गन का। तो जब ये बाहर निकलेगी गोली, इसकी स्पीड V1 है, इसकी V2 है, कौन सा ज्यादा होगा? सर V1 ज्यादा होगी। V1 सर मास कम है ना, जल्दी चली जाएगी। V1 ज्यादा है। मोमेंटम अगर इसका P1 है, इसका P2 है, तो किसका ज्यादा होगा? सर सेम होगी शायद से।
सर इक्वल होते हैं ना सर, इक्वल हो सर, इक्वल कंजर्वेशन मोमेंटम है ना, नेट जीरो आना चाहिए तो मैग्नीट्यूड yes, बराबर दो। अच्छा काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करूं तो सर सेम होंगी दोनों की, सोच लो मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है का। सर बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बुलेट की ज्यादा, बुलेट की ज्यादा होगी और उसका वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर होगा तो मास तो कम है लेकिन काफी बुलेट का। सर तो बंदूक का ज्यादा थोड़ी होगा, इतना थोड़ा सा ही होगा। क्यों बहुत ज्यादा होगा, बुलेट के मुकाबले तो काफी ज्यादा होगा, बुलेट होगी ज्यादा होगा, बुलेट होगी 50 ग्राम की होगी, 10 किलो की, क्योंकि जो वेलोसिटी है बुलेट की वो स्क्वायर में करेंगे ना तो ज्यादा होगी। मेरे को और एग्जांपल दे सकते हो? चलो ठीक है मैंने मान लिया, चलो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। कैसे सर? क्योंकि वो ज्यादा स्पीड टू इक्वल है सर, मास उसका ज्यादा है इसलिए हम जब डिवाइड करेंगे तो सर गन की ज्यादा कम आएगी, उसकी ज्यादा आएगी बुलेट की। क्या हम ये यूज कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सर हाफ ऑफ मोमेंटम टाइम्स सर वेलोसिटी होती है, तो सर इससे वेलोसिटी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गई वो। और एग्जैक्ट टर्म देखें तो ये यूज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। यस सर, पी1 और पी2 बराबर हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई फिर? m पे डिपेंड करेगी इनवर्सली। हां सो इनवर्सली, जिसका m ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यस सर, और जिसका m छोटा उसकी ज्यादा। तो किसकी ज्यादा होगी सर? सर बुलेट की, बुलेट ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? इस फॉर्मूले का यूज पता चला आपको, क्या यूज है उसका? यस सर चल गया। यस सर, यस सर, क्वेश्चन हम इससे कर सकते हैं, यहां पे मोमेंटम आपका सेम है या काइनेटिक एनर्जी सेम है, आपको मोमेंटम कंपेयर करना है तो वहां पे हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट? यस सर। चलिए तो ठीक है, इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस से समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, बाय सर, गुड इवनिंग सर, बाय सर, गुड इवनिंग एवरीवन, बाय सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, बाय। यस कोई पूछ रहा है कुछ? सर मेरे को एक मॉड्यूल से डाउट था सर, फ्लोटेशन चैप्टर में। पूछो सर, एक क्वेश्चन है सर, द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन ए ब्लॉक इज सस्पेंडेड From it in air is 60 newton. This reading is changed to 40 newton when the block is submerged in water. The specific gravity of the block is. Okay. इसकी reading 40 हो गई अब? Yes, sir. तो कितने का loss हुआ mass का, weight का? 20 newton का weight loss हुआ ना? क्यों हुआ? Yes, sir. Sir, force by up thrust है. अब थ्रस्ट के कारण, तो अब थ्रस्ट कितना हुआ इस केस में? सर 20 न्यूटन्स, सर 20 न्यूटन्स। और इसका ओरिजिनल मास कितना था, वेट कितना था? mg वाज 60 न्यूटन, 60 न्यूटन था। ठीक है, आपको क्या निकालना है क्वेश्चन? स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब इस डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, माने वाटर के रिस्पेक्ट में निकालनी है। इनफैक्ट ये होती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। यस सर, मुझे बेसिकली ये तो वन होता है, तो मुझे ये चाहिए डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। यस सर, यस सर, मुझे ये चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेरा जो बॉयंसी आया, बॉयंसी मेरा जो होता है वो कितना होता है? बॉयंसी मेरा होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वी कैन राइट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। लिख सकता हूँ बॉयंसी फोर्स। यस सर, यस सर, ओके। और सर ये इक्वल होगा सर उसके, किसके सर? क्योंकि यहाँ पे एफ नेट जीरो है ना, तो जो फोर्स बाय ग्रेविटी है सर उसके इक्वल होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखो, अच्छा दूसरा हमारे पास जो आया वो उसकी मास दिया हुआ, ये दिया हुआ हमारा, ये कितना है 60 न्यूटन। जब मैं मास लिखूंगा बॉडी का तो क्या लिखूंगा? बॉडी का वॉल्यूम इनटू बॉडी की डेंसिटी, तो मास आ गया इनटू जी, ये 60 है। यस सर, और यहाँ पे जो बॉयंसी आया वो इतना आया बी इनटू दिस इनटू दिस। ठीक है, वी मैंने दोनों केस में सेम लिया है, वी सेम लेने का मतलब बॉडी पूरा सबमर्ज कर रही होगी उसमें, है ना?
यस सर क्योंकि मैंने वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दोनों को सेम माना है, वी और वी, तो पूरा ऐसा केस होगा है ना, एक्चुअली दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे रेशो निकालना है। यहाँ पे लिक्विड कौन सा है, वाटर ही है, यहाँ पे वाटर लिखा है, वाटर में डिस्पोक किया है, डिप समर्ज्ड इन वाटर, तो वाटर में अगर किया तो रो वाटर हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो अब तो डायरेक्ट ही आ जाएगा आपका। थ्री आ गया, थ्री आ गया बस ये। ठीक है, यस सर, ओके, चलिए ठीक है, अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं और इसके साथ। सर थैंक यू सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड बाय, वेलकम एवरीवन, थैंक यू सर।